ओके दोस्तों, अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास ये आ रही है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, मार्क साइटेशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसको भी हम करते हैं ऐसे, ओके रेफरेंस में आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर होता है कि हम कैटेगरी में बनाना चाहते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी हम अलग-अलग से कैटेगरी ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर की, लिख लेते हैं फ़ोन की, लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में क्या आ जाता है, सीपीयू आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद माउस, ठीक है, और रैम और कीबोर्ड, कीबोर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। और इस तरह अब नीचे आ जाते हैं, हम फ़ोन लिख लेते हैं, फ़ोन के कुछ नाम लिख लेते हैं, ये सैमसंग लिख दिया हमने, वीवो लिख दिया, ठीक है, ओप्पो ओ डब्ल्यू पी ओ, ओप्पो लिख दिया, और REDMI, रेडमी हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने फ़ोन के और कंप्यूटर के जो कुछ पार्ट्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे के मार्क साइटेशन लगाएंगे। दोस्तों मार्क साइटेशन से पहले हम इनकी कैटेगरी इसके अंदर देंगे। यहाँ पर देखें, हमें इनकी कोई कैटेगरी नज़र नहीं आ रही, हमें हम अपने कंप्यूटर की और फ़ोन की कोई कैटेगरी नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें पहले कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैटेगरी दी हुई है इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम ये 8 को रिप्लेस कर लेते हैं कंप्यूटर से, यहाँ पर कंप्यूटर हम लिख लेते हैं, ये हमने कंप्यूटर लिख लिया, ओके कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हम कैटेगरी करना चाहते हैं जी यहाँ पर फ़ोन की, यहाँ पर 9 है, इसको रिप्लेस करते हैं फ़ोन, PHONE, फ़ोन कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ओके, और क्लोज कर दिया। एक मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर की ऐड हुई है कि नहीं, नहीं अभी ऐड नहीं हुई, हमने रिप्लेस नहीं किया था, तो कंप्यूटर के बना लेते हैं। दोबारा से 8 को हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम कंप्यूटर लिख लेते हैं, CUMPTER, कंप्यूटर करना है, और यहाँ पर रिप्लेस का बटन प्रेस करना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास बन चुकी हैं, इसकी कैटेगरी हमने बना ली है मार्क साइटेशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, CPU इसको सेट करेंगे, मार्क साइटेशन में आएंगे, और यहाँ पर ये कंप्यूटर है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब माउस है हमारा, माउस क्या है, हमारा कंप्यूटर है, यहाँ से अगर ऊपर शो ना हो तो यहाँ से आप आकर देख सकते हैं, तो ये कंप्यूटर है, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद रैम है, रैम साइटेशन में आएंगे, कंप्यूटर है, मार्क करेंगे, ओके क्लोज कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड साइटेशन में आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर है हमारा, इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे और क्लोज। अब हमारे पास आ चुका है सैमसंग, सैमसंग हमारे पास क्या है, ये है जी हमारे पास फ़ोन है, इसको हम फ़ोन को सेट करेंगे, मार्क करेंगे और क्लोज कर देंगे। वीवो हमारे पास क्या है, वीवो भी हमारे पास फ़ोन है, मार्क करेंगे और क्लोज कर देंगे। ओप्पो हमारे पास क्या है, फ़ोन है, मार्क करेंगे और क्लोज। और लास्ट पर हमारे पास आ जाता है रेडमी, यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, ये फ़ोन है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मार्क करना है और क्लोज़ कर देना है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आगे आ रही है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको ओके कर देना है, ये मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ये देखें, अब कंप्यूटर की उसने अलहदा से बना दी है हमें, ठीक है, और फ़ोन की अलहदा से कैटेगरी एक बना दी है, तो अगर इसको मैं रिमूव करूँ तो अच्छे से ये नज़र आएगा। ये देखें, ये हमें फ़ोन की मिल रही है और ये यहाँ पर कंप्यूटर की जो कैटेगरी है वो हमें मिल रही है। अगर इनके अंदर हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फ़ोन की और कौन सी है, सैमसंग और कौन सी हो सकती है, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ओके XYZ, ओके XYZ एक फ़ोन की हमारे पास आ चुकी है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस में आएंगे, रेफरेंस के बाद मार्क साइटेशन, फ़ोन XYZ हमारा फ़ोन था, हमने एक एग्जांपल लिया है, तो ये फ़ोन को यहाँ से सेलेक्ट करना है,
मार्क करना है और क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है, अपडेट टेबल करेंगे और ये हमारे पास नीचे एक्स वाई जी फोन के अंदर शो हो रही है, ठीक है। और इसको अगर होम पर आएंगे, होम पर आने के बाद इसको आप रिमूव कर देंगे तो ये अच्छे से आपको नज़र आएगा कि हमारी कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें बन चुकी हैं ऑटोमेटिकली। अब हम ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती रहेंगी।